वही हरेला पर्व के मौके पर एक वृक्ष माह के नाम कार्यक्रम के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थानू रेंज अंतर्गत इको पार्क में पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम ने लोगों के बीच एक गहरी छाप छोड़ी है और लोग काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इस प्रकार पर्यावरण के प्रति आमजन का जागरूक होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है वह हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में डोईवाला विधायक बृजभूषण गौरेला के साथ साथ थानो वन रेंज के अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डोईवाला से जावेद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। यूको पार्क में माननीय सांसद हरिद्वार, माननीय विधायक डोईवाला, हमारे उच्च अधिकारी, हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, अन्य सभी जनप्रतिनिधि व वन कर्मचारी यूको पार्क थानों में आंवला, हरड़ा, बेहड़ा, कचनार, बड़, पीपल आदि के लगभग 200 पेड़ों का रोपण कर रहे हैं। हरियाला कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक थानो रेंज के अंतर्गत लगभग 60,000 वृक्षों का वृक्षारोपण कर दिया गया है। इस टाइम की जो हमारी थीम है वो एक पेड़ माँ के नाम है। सभी लोग वृक्षारोपण में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, सभी का सहयोग मिल रहा है। तो इस टाइम जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच गया था, तो सभी लोग जागरूक हो गए हैं। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष काफ़ी लोग वृक्षारोपण में अपना सहयोग दे रहे हैं। देखिए, ये देहरादून वन प्रभाग में हम लोग हैं इस समय थानो रेंज में, और आज हमारे इस क्षेत्र के माननीय सांसद जी हैं और माननीय विधायक जी हैं, दोनों ने पौधारोपण किया और उनके साथ साथ लगभग 100-150 लोग और हैं जिन्होंने पौधारोपण किया है। तो देहरादून जनपद का अगर मैं बात करूं तो हम लोग इस साल 10 लाख से अधिक पौध यहाँ लगा रहे हैं, जिसमें कि 6,82,000 पौध तो वन विभाग ही लगा रहा है, बाकी बहुत सारे दूसरे विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएँ, बहुत सारे ग्रुप्स, स्कूल कॉलेज वाले सभी लोग जो है पौधारोपण कर रहे हैं इसमें। हरेला के जो वृक्षारोपण चल रहा है इसमें, और अभी तक 70% से अधिक पौधारोपण हो चुका है हमारा। बहुत जल्दी 2-3 दिनों के अंदर, 4-5 दिनों के अंदर जो है शायद ही हमारा कार्य पूर्ण होगा। सरकार की मशीनरी तो है ही, लेकिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी आज यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, और आज नहीं लगातार लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये समाज की जागरूकता का परिचायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया एक वृक्ष माँ के नाम, इसने भावात्मक रूप से और गहरी छाप छोड़ी है, ये साफ साफ महसूस हो रहा है। इस बार भारी संख्या में लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं बड़े उत्साह के साथ वृक्ष हाथ में लेकर, कहीं पर अपनी माता का फोटो साथ में लेकर के और वृक्षारोपण कर रहे हैं, जो एक प्रकृति के साथ, जो एक तादाद में चाहिए, प्रकृति के साथ पुत्रों का जो संबंध चाहिए वो इस हरेला पर्व पर दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है।